ये देखो, ये है एक यूट्यूबर की बिहाइंड द सीन्स कैमरे के पीछे ये हाल है। हम ऐसे चल रहे हैं। क्यों नहीं, 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 अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? रियलिटी है, लोगों की चप्पल टूटती नहीं है क्या? गाइस कमेंट करके बताना इसमें नहीं दिखाने लायक क्या था। लोगों की चप्पल टूटती है, मेरी भी टूट गई यार, नॉर्मल हूँ मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज है थर्सडे और मैं, चाची, मम्मी, पापा जा रहे हैं मेरे रूम का कुछ सामान शॉपिंग करने। आप लोगों को पता ही है रिनोवेशन चालू है, तो वॉलपेपर पसंद करना है, जिसकी शॉप चाची को अच्छे से पता है। एंड चाची ने वहाँ से ऑलरेडी अपने घर के लिए लिया है, तो चाची को लेके जा रही हूँ पसंद करने के लिए और मम्मी पापा साथ में चलेंगे। तो हमारा ऑटो आ गया है, बट अब ये है कि मम्मी, मैं और चाची तीनों ऑटो में फिट आएंगे या नहीं, तो उसके लिए हम, पापा की बाइक भी है, पापा बाइक से आएंगे, तो देखेंगे अगर मैं बाइक पे बैठूँ शायद, अगर ऑटो में जगह कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि मम्मी के पैर में थोड़ा सा अभी भी पेन वगैरह है, तो वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से तो बस लेके जा रही हूँ आप सबको भी शॉपिंग के लिए। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, एंड बाहर जा रही हूँ तो व्लॉग करना ज़रूरी है। तो बस चलो पसंद करते हैं वॉलपेपर। आपको जो सा पसंद आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट जब तक आप देखोगे तब तक मैं ऑलरेडी परचेस कर चुकी रहूँगी, बट अगर परचेस नहीं किया तो एटलीस्ट आप सजेशन दे सकते हो ना। जाने का मैं आपको बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ, बराबर हो ना? चलो बाय। लगा नहीं था इतना कंफर्टेबली हम ऑटो में बैठ पाएंगे, बट अच्छे से हम लोग एडजस्ट हो गए। और ये शॉप है, हम लोग एपीएमसी मार्केट में, वाशी एपीएमसी, अगर आप लोगों को पता ही होगा नई मुंबई से हो तो, वाशी एपीएमसी मार्केट जो है वो होलसेल मार्केट है हमारे यहाँ, जहाँ पे सब कुछ इजीली एंड बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, लाइक कंपैरेटिवली टू अदर शॉप्स, एंड वो भी एकदम प्रॉपर ब्रांडेड शॉप है। अरे मैं यूट्यूब के लिए ले रही हूँ, अभी तो कुछ खोला भी नहीं है, नहीं कुछ लिया क्या? इस टेस्ट कल देख लीजिए, इसमें कुछ 3D का भी फैशन में है। देता हूँ अभी, एक मिनट में खोलो चाची, देखो ना प्लीज, पापा आप भी खोलो, सब लोग देखेंगे तो ही। यही मैंने किया, सेम है। हाँ पूरा अलग है, उसके अंदर थोड़ा अलग है, वापस बुक देते हैं। अच्छा लग रहा है ये भी, तो वो भी अच्छा लग रहा है ये ना। मार्क करो इसको, ये लाइट कलर में, इधर लाइट नहीं, जो वॉलपेपर है ना प्रिंटेड वो डार्क चाहिए, बाकी एकदम लाइट चाहिए। सो गाइस मुझे पसंद था वॉलपेपर सिलेक्ट करना, इतना ज्यादा सीलिंग भी थोड़ा कम बज रही है, ये बहुत डिफिकल्ट है, सब एकदम सेम कुछ समझ नहीं रहा है, सब कंफ्यूज हो गए, बट एक फाइनल मुझे लगा है अच्छा, बस उसके ऊपर देख रहे हैं ये वाला, ये हाईलाइट और ये वॉल्स।
अच्छा 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 मुझे प्लेन वही वाला प्लेन ही ज्यादा अच्छा हाँ क्योंकि फिर इसका गेटअप दब रहा है इसके लिए जितना अपन प्लेन रखेंगे ना उतना देखो ये आपको थोड़ा सा कुछ चाहिए तो ये है ये भी ऑप्शन अच्छा नहीं बट दैट इज सूदिंग दैट इज वेरी रिच जितना सूदिंग है उतना ही अच्छा वो ज्यादा प्लेन ही अच्छा लगे क्योंकि ये बहुत एनहांस करता है अपना तो उसका दबाना नहीं है अपने को लुक को ये ज्यादा उठ रहा है हां ये इस पे ये पूरा इसका कैसे बेस के साथ में अच्छा मैच कैमरा भी कैच कर रहा है इसको ये कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट ये ऐसे स्ट्राइप्स बहुत अच्छे लगते हैं ये नहीं मुझे ऐसे इंडियन प्रिंट्स ये नहीं बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि ये हमारा प्रिंट हो गया है तो ये भी आप करोगे तो बहुत मेरे को वो ऐसे प्रॉपर इंडियन प्रिंट्स या तो फिर ये दो चीजों में आप जा सकते हो अच्छा लगेगा इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है एंड अगर फुल मैरून प्रिंटेड प्लेन मतलब सेल्फ में होगा तो बोलो उसमें क्या कर सकती है जैसे तू वॉल और इसमें की ना उसमें भी क्रीम एंड दो कलर कलर में ये भी कर कॉम्बिनेशन अल्टरनेट कर सकती है जैसे ये एक दो जैसे अगर आपका चार पर्दे लग रहे हैं पढ़ने के हिसाब से अगर मान लो कि चार पार्ट्स लग रहे हैं दो पार्ट आप इसके लिए तीन लगेंगे तीन विंडो पे तीन पार्ट लगेंगे नहीं बहुत ब्राइट है ये बहुत ज्यादा ऐसे टेक्सचर है थोड़ा सेल्फ ये देखो ये सेल्फ में है माँ ये पर हार्ड ना स्टिफ है ना नहीं नहीं स्टिफ नहीं है सॉफ्ट है ये मटेरियल सॉफ्ट है इसको फॉल अच्छा गिरेगा ये अच्छा लगेगा फॉल अच्छा गिरेगा इसके साथ में क्रीम क्रीम लाइटर मतलब गोल्डनिश में लाइटर शेड ये देखो एक मिनट आगे अच्छा देखो रुक जा बेटा चाय पिला रहा है ना सी दिस बेटा कौन सा दिस दोनों अच्छा दे हां ये बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छे लगेंगे शूट में आ रहा हां इसके साथ में लेकिन ये सेम पिक्चर देखो ये टेक्सचर और ये टेक्सचर चाय भी नहीं दो एक ही ले लो हम लोग के लिए एक ही भैया यहां पे एक ही रखना थैंक यू रख लो रियल देखो सब दे वो अच्छा लग रहा है गोल्डन वो है ना फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है सो गाइस फाइनली वॉलपेपर सिलेक्ट हो चुका है हमने एड्रेस के लिए एड्रेस दे दिया लाइक नापने के लिए वो आएंगे एरिया और उसके बाद बारी आई है कर्टन्स की जो कर्टन्स अभी सिलेक्ट करने क्योंकि पूरा जो कॉम्बिनेशन था रूम का चेंज हो गया आपने देखा पहले पिंकिश में था तो अभी वो पूरा चेंज हो चुका है कम्प्लीटली तो वो कर्टन्स तो बिल्कुल नहीं लग पाएंगे ये दोनों नहीं कहाँ गया मेरा दीदी को पूछो तो वही कर्टन सिलेक्ट कर रही हूँ अभी मतलब रूम का जो लुक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी ये था क्या नहीं ये नहीं था सो गाइस बस हम लोग का हो चुका है हम जस्ट शॉप से निकले अभी डिसाइड हो रहा है मम्मी बोल रही है और मार्केट देखनी है पापा बोल रहे घर चलो मैं भी बोल रही घर चलो मम्मी को शॉपिंग करना है पापा हाय करो मम्मी चलो और एक बहुत बड़ा जोक हो गया मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ सो हम निकल गए हैं घर के लिए बहुत ज़्यादा बहस सब होने के बाद फाइनली मेरी जीत हो गई और मम्मी गुस्सा हो रही है चाची भी गुस्सा हो रही है उन लोगों को था कि अभी यहाँ तक आज थोड़ा मार्केट कर ले बट मुझे जाना है जिम आप लोगों को पता ही है मेरे को ड्यूटी देनी है और ऑलरेडी 5 o'clock हो गए हैं मैं 4:30 को जाना था मेरे को तो ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गया अभी इन लोग अगर मार्केट घूमते तो ऑब्वियसली कम से कम 2 घंटे लगाती मम्मी तो गाइस चलो अभी फटफट घर जाते हैं एक तो चप्पल टूट गई मेरी ऊपर से इनको टूटी हुई चप्पल पे मुझे मार्केट भी घुमाना है पागल तेरे को बोल रहे थे नवी चप्पल ले ले नवी चप्पल का लालच दे रहे थे कोई बात नहीं तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और मैं निकल रही हूँ जिम के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है
आके बात करूँगी, देखूँगी डिनर शेड्यूल वगैरह कैसे होता है। एक्चुअली मैं जिम में ही पोस्ट वर्कआउट के लिए जो एग्स वगैरह खाती हूँ उसके बाद मैं मोस्टली मैं डिनर नहीं करती हूँ, बट व्लॉग कर रही हूँ तो कुछ तो शेयर करूँगी अच्छा करके। तो बस अभी चलते हैं जिम क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, एंड मिलती हूँ आके, बाय। और दो, अरे मम्मी और दो ना। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है यार इतने साल लगने के लिए। हर एक मम्मी का गाना, पैसे नहीं है। मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट डे व्लॉग। और अभी ये है मेरे रूम का हालत और आप देख रहे हो ऑलमोस्ट मेरी पीओपी पूरी हो चुकी है, लाइट वगैरह लग चुकी है। लाइटें वगैरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगाई है, मैं अब नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। एक टेम्प्ररी कनेक्शन जो लिया था वो लोग ने, तो लाइटें वगैरह अभी नहीं दिखाऊंगी, एकदम प्रॉपर होने के बाद दिखाऊंगी क्योंकि बहुत स्पेशली मैंने लाइट्स लगवाई है अकॉर्डिंग टू द शूट वर्क। तो ये जो इस तरह से आप कपड़े वगैरह देख रहे हो ये जस्ट भैया आए हैं, बैग उनका यहीं पड़ा है, वो चेंज वेंज करके ये जो दीवार है इसको पूरा छिल देंगे और इसके ऊपर प्लास्टर करेंगे ताकि सब इक्वल हो जाए क्योंकि सब खराब हो गई है वॉल्स, एंड इसी तरह से ये बाकी वॉल्स का भी होगा। और सब न्यू कनेक्शंस दिया है बोर्ड का, वहाँ पे एसी का न्यू कनेक्शन और ये ग्रिल वगैरह पेंट होगी और ये जो देख रहे हो सब लगेगा, मतलब बहुत सारा काम अब भी बाकी है। बेड का हाल तो देखो ही मत, इसको डीप 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 क्लीनिंग करना पड़ेगा। और ये मेरा कबट, तो अभी जो है ना रूम की सेटिंग भी चेंज हो जाएगी, लाइक जो बेड एरिया है वगैरह सब जैसा है था सेटिंग वैसी नहीं रहेगी। आई नो मैं थोड़ी वियर्ड दिख रही हूँ कि मैं सिर्फ 15 मिनट्स पहले उठी हूँ, 15 मिनट्स पहले क्योंकि वो भैया आ गए थे, मुझे थोड़ा सा काम था, बात समझानी थी, तो जस्ट उठी हूँ। मैंने बिल्कुल भी फेस वॉश या ब्रश भी नहीं किया है एंड उठ गई हूँ गुड मॉर्निंग करने मेरी फैम के साथ। तो इस तरह से चल रहा है गाइज। मैं क्या बोल रही थी, हाँ कि जो रूम की फर्नीचर सेटिंग है वो भी पूरी चेंज होने वाली है एंड बहुत कुछ डिफरेंस। एंड आपको मैं स्टोर रूम भी दिखाती हूँ। तो आपको याद है स्टोर रूम में काम चालू था, तो जो स्टोर रूम का पूरा सामान था बेड पे था, तो इस तरह से हमने स्टोर रूम में सब प्रॉपरली बॉक्सेस लगा दिए हैं, एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है एंड ये प्लास्टर वगैरह सब हो चुका था, आपने देखा ही। तो यही सब चल रहा है गाइस, घर का काम इतना लंबा चल गया। आज है वापस से फ्राइडे और लास्ट टू लास्ट सैटरडे से मैं रूम क्लीन करने लगी थी, पूरी मिट्टी की वजह से स्लाइडिंग मेरी जाम हो गई। तो लाइटिंग वगैरह का भी बिल्कुल इशू नहीं होने वाला है मेरे रूम में क्योंकि देखो लाइट ही लाइट लगा दी है मैंने, इस तरह से बहुत सारी लाइटें लगी है। अभी आप देख रहे हो पीछे येलो, तो अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये सरप्राइज मतलब कॉमन है आजकल, ऐसा कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड लाइट्स नहीं लगाई है। बट एक यूट्यूबर के लिए रूम में परफेक्ट लाइट होना कितना इम्पॉर्टेंट है वो कम्प्लीटली मेरे को पता है, तो उस हिसाब से मैंने लाइटिंग की है। मेरे रूम में इतना बोल सकती हूँ मिनिमम 25 to 28 लाइट्स लगी हैं, तो अब आप गेस कर सकते हो किस तरह से। तो चलो गाइस फ्रेश हो जाती हूँ अच्छे से एंड मिलती हूँ आपको फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट के साथ। सो गाइस सॉरी व्लॉग प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। कल जब रात को जिम के बाद आई तो मैंने जिम जाने के पहले ही बताया था कि मैं मोस्टली तो अपना कुछ डिनर विनर नहीं करती हूँ जिम से आने के बाद में, और वैसे ही हुआ, कुछ भी नहीं था इंटरेस्टिंग शो करने के लिए, तो ऐसे ही मिनट्स बढ़ाने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स नहीं ली, लाइक यू नो कुछ ऐसे क्वालिटी व्लॉग नहीं था। एंड उसके बाद में अभी जब मैंने सुबह में आपसे मिली और आपसे बोला कि ब्रेकफास्ट के साथ मिलती हूँ, सॉरी अगेन मैं ब्रेकफास्ट के साथ नहीं मिल रही हूँ, प्रॉपर शावर वगैरह लेके मिल रही हूँ। एक्चुअली मेरी एक आदत है जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, मैं मेरे नाइट ड्रेस में ब्रश एंड फेस वॉश करके ही करती हूँ एंड उसके बाद स्लोली आई गो टू टेक बाथ एंड एवरीथिंग, तो वो ही हैबिट के चलते मैंने शूट नहीं किया। एंड अभी मैं आई हूँ मेरे बैकयार्ड पे जहाँ पे फ्रेश काम हुआ है, आपको पता है ये ग्रिल और मम्मी ने ये खिड़की बनवा ली फाइनली,
तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है पूरा पैक, तो इस तरह से मम्मी ने ग्रिलिंग कर दी है। और ये है हमारी POP, इसमें भी 4 लाइटें लगी है। तो अभी मैं घर के कोई भी कोने में व्लॉग कर सकती हूँ। ये है मेरा इन्वर्टर प्लेस, झाड़ू और सुपड़ी, ये बेडरूम की खिड़की है और यहाँ हम कपड़े सुखाते हैं। और ये है मेरे बाबू का सोने का प्लेस, जो ऑब्वियसली थोड़ा मैसी है फिलहाल, एंड उसको छोटी सी जगह मिली है। ये सब कुछ हमें क्लीन करना है। और ये मेरे कुछ कपड़े जो मैं धोने के लिए लेके आई हूँ। हेलो, से हेलो। चलो कपड़े धोते हैं। तुमने खाना नहीं खाया क्योंकि खाना पड़ा आपका, तो चलो गाइस कपड़े धोते हैं। कुकी के साथ मस्ती कर कर के पानी भर चुकी हूँ ऑलरेडी, बस कपड़े डालने बाकी। वॉशिंग मशीन लग चुकी है, सबसे बड़ा काम हो गया है। क्योंकि ना जब यहाँ पे बैकयार्ड में काम चल था ना गाइस, तो मशीन हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पूरी धूल मिट्टी में थी। तो काफ़ी दिन के मेरे कपड़े हो गए थे, एंड कपड़े मतलब ज़्यादातर मेरे जिम क्लोथ्स थे, एंड वो तो आपको पता है मुझे डेली बेसिस में चाहिए ही होते हैं, मेरे सॉक्स वगैरह सब कुछ था। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि मशीन वगैरह हमने सेट कर दी है। एंड कुकी जो है ना अभी तक न्यू रूम से थोड़ी सी मतलब यू नो सेट होने की कोशिश कर रही है, और खाना दिया है और खाना नहीं खाया है। तो बस गाइस ये सब चल रहा है, लंच करेंगे। तन्नू दीदी खाना बना रही है, मैं आपको तन्नू दीदी से मिलवाती हूँ। तन्नू दीदी को बहुत पसंद है व्लॉग्स में आना। लाइट क्यों बंद है इधर? हेलो, टेक 2 पे हुआ। दीदी ने फटाफट हेलो बोला और जब तक मेरी कैमरा में ना ऑन ले किया था। तो इस तरह से हम बैकयार्ड की लाइट्स बंद कर देंगे, तो भी ये विंडो से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आती है। ये देखो नेचुरल लाइट का ही सही। तो यही सब चल रहा है गाइस, इन शॉर्ट डेली रूटीन घर का। एंड दीदी बना रही है खाने के लिए भिंडी मसाला, एंड एक और इस तरह की भिंडी जिसको कटी हुई कहते हैं। तो हमारे घर पर दोनों भिंडियाँ बनती है। दीदी ये बक गई, ये बंद कर दो। हाँ दीदी, हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। और बनी है गाइस काली दाल, माँ की दाल बोलते हैं ना पंजाबी वाली काली दाल, वो भी बन रही है। और इसमें बन रही है राइस दाल मखनी। ओ माय शेफ स्पीक्स। जी कर लेता ना। क्यों ठंडा है मम्मा? दो थोड़ा सा मेल्ट होगा ना तो होगा, एकदम फ्रीज जाएगा। सो इस तरह से हो रही है मम्मा के पैर की सेवा, एंड थोड़ा सा पेन हो रहा है क्योंकि गाइस घर पे इतना सारा काम निकला रिनोवेशन का, तो कितना भी करो तो मम्मी सबसे ज़्यादा काम की, लेबर वगैरह आए सबसे ज़्यादा फिर भी मम्मी ने काम किया। क्योंकि वो एक हाउसवाइफ की आदत ही होती है कि भले ही उनको पता है कोई ना कोई काम कर देगा, भले ही 2 घंटे लेट से, बट उनको तुरंत उसी टाइम पे और अपने हाथ से ही चाहिए। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी मम्मी और आपके घर पर जो बड़े हैं वो भी ऐसे ही है क्या, क्योंकि मेरी मम्मी तो वैसी ही है। इनको तुम कितना भी बोल दो मत करो, कोई तो करेगा, या फिर मैं करती हूँ 10 मिनट रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, 10-15 मिनट और रुक जाओ, बट वो नहीं सुनती है। एंड वो उनको अब भी तब भी मतलब जो भी मूवमेंट रहता है उसी टाइम पे तुरंत चाहिए रहता है। तो उस चक्कर में अपने पैरों का दर्द कर लिया है इन्होंने। और कल हम कहीं जा रहे हैं बाहर घूमे करने, एक्चुअली प्री न्यू ईयर पार्टी है।
एक्चुअली प्री न्यू ईयर पार्टी है तो वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में. तो फिलहाल इस तरह से हमारा डेली मॉर्निंग शेड्यूल है. मॉर्निंग क्या आफ्टरनून हो गया है, दोपहर के 1 बज चुके हैं. तो बस अभी लंच करेंगे 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 कुछ बोल दो ना. तो 54th आज मेरे सलमान खान का बर्थडे. सो गाइस मैं मेरा डिनर नहीं लंच लेके बैठी हूँ. एक्चुअली व्लॉग ऐसे ही करती हूँ ना, डिनर ज़्यादा हो जाता है तो मेरा लंच लेके बैठी हूँ, साथ में लेके बैठी हूँ मेरा लैपटॉप. जैसे ही लंच ख़त्म होगा थोड़ा एडिटिंग का काम है वो स्टार्ट करेंगे. तो मैंने लिया है 1.5 चपाती और भिंडी की सब्जी, दाल एंड थोड़ा सा अनियन. 1.5 रोटी इसलिए क्योंकि जवारी की रोटी नहीं है, तो इसलिए 2 रोटी नहीं तो 1.5 इनफ हो जाएगी. तो बस मैं फास्ट अपना लंच कर लेती हूँ क्योंकि 1:30 हो के गए, अभी तक लंच नहीं किया है एंड थोड़ा सा काम पेंडिंग पे है. एंड आप लोगों को पता ही है फिर से कि 4:30 and 4:35 के करीब से मैं जिम विम के काम में बिजी हो जाती हूँ, तो पेंडिंग काम क्लियर करके ही जिम जा रहा है. तो इसीलिए अपना लंच कंप्लीट कर लेता है. सो गाइज लंच हो गया है. मैं अपने एडिटिंग वर्क पे बैठ गई हूँ और ये ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ. सोच रही हूँ लगे हाथ इसको भी एडिट कर दूँगी. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. बाय द वे जहाँ तक आप पूछोगे वॉलपेपर का क्या हुआ, तो जो आपने देखा है एक येलो वाला वो हमने पसंद किया है, बट मैं सोच रही हूँ कि 2-3 जगह और एक्सप्लोर करके ही फाइनल करूँ. तो जाने वाली हूँ आज जिम जाने के पहले ही, एक आधा घंटा निकाल के काम करना ज़रूरी है तो वो सब देख के आऊँगी मैं. एंड फिर पता चलेगा. इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो क्योंकि ये ब्लॉग मेरे वॉलपेपर परचेज के पहले आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज. तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे स्टोरीज देख सकते हो. तो बस यही सब चल रहा है, एडिटिंग कर लेती हूँ एंड ये व्लॉग भी साथ साथ एडिट करके आप लोगों तक जल्दी पहुँचा दूँगी. एंड नीचे आप कमेंट करके कोई सजेशन है रूम डेकोरेशन पे तो ज़रूर दे सकते हो. बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय.